देश का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर वापसी करने वाला है। पिछले कई महीने से फैंस बेसब्री से ओटीटी वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब ओटीटी सीजन 3 के प्रीमियर डेट को लेकर एक अपडेट और शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। एक बात और, शो में शाहरुख खान की बेटी की भी एंट्री हो सकती है। तो चलिए आपको बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। बिग बॉस टीवी की दुनिया का बेहद पॉपुलर रियलिटी शो है। एक सीजन खत्म होते ही फैंस अगले सीजन की राह ताकने लगते हैं। ऐसे में बिग बॉस 17 के बाद ओटीटी सीजन 3 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट बना हुआ है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए दर्शकों को अब ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा, बस कुछ हफ्तों में शो ओटीटी पर दस्तक दे सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का प्रीमियर मई के दूसरे हफ्ते को होगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में पिछले सीजन की तरह इस बार भी कई विवादित सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अब तक टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर, शहजाद धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को अप्रोच किया गया है। हाल ही में शहजाद और प्रतीक्षा को टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता से है बाहर कर दिया गया था। दोनों पर अनप्रोफेशनल रवैया रखने का आरोप लगा है। हालांकि इस पर शहजाद और प्रतीक्षा ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। इस सीजन कंटेस्टेंट के रूप में आपको शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी सना सईद भी दिख सकती हैं। आपको बता दे, ये कुछ कुछ होता है मूवी में सना सईद ने शाहरुख खान की बेटी अंजलि का किरदार निभाया था। तो आप देखना ये है कि मेकर्स कब तक शो की अनाउंसमेंट करते हैं और कौन कौन से कंटेस्टेंट हमें इस बार देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।